बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिल्टर वन शीट टू अनदर शीट पे किस तरह होगा डेटा मेन डेटाबेस से, तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे, जिस शीट पे हमें डेटा को फिल्टर करना है वो शीट पे क्लिक होगा और मेन मेरी एक शीट पे डेटाबेस बना हुआ है। अब हमारे पास कंडीशन ये है, जो ग्रेटर देन 50,000 की सेल्स का डेटा है वो सारा हमें शीट पे फिल्टर कराना है। तो ये काम हम एडवांस फिल्टर से करेंगे। एडवांस फिल्टर में गए, यहाँ पे सबसे पहले कॉपी टू अनदर आ रही है, कॉपी टू अनदर लोकेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक, ऑल शीट पे जाएंगे और इधर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल। ऑल सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे। क्राइटेरिया रेंज पे हमारे पास जो अमाउंट का कॉलम है, क्राइटेरिया रेंज ठीक है, हेडिंग के साथ जो क्राइटेरिया टाइप किया हुआ है वो, और कॉपी टू में जहाँ वो डेटा चाहिए हमें उस क्राइटेरिया का मेन डेटाबेस में से निकालना है, वो फिल्टर जिस शीट पे करना है वहाँ की हेडिंग वहाँ पे पेस्ट की हुई होंगी आपने, वो हेडिंग सिलेक्ट करके ओके। तो अब यहाँ देखिए, जितना भी 50,000 से ग्रेटर का डेटा हुआ वो सारा हमारा फिल्टर हो गया अनदर शीट पे। तो एडवांस फिल्टर का ये क्वेश्चन मेरे पास आया था कि फिल्टर डेटा वन शीट टू अनदर शीट पे किस तरह से होगा, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, 23 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मेन डेटाबेस में हम जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर की शॉर्टकट की है और यहाँ पर हम इसमें नंबर ग्रेटर देन ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 50,000 और ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट डाउन 23 रिकॉर्ड्स हैं 50,000 से ग्रेटर। तो कंफर्म करने के लिए मैंने फिल्टर लगा के चेक करवाया रिकॉर्ड को। अब हमारे पास कंडीशन आ रही है कि अब हम अगर इसमें कोई वैल्यू को चेंज करते हैं तो क्या बार बार हमें एडवांस फिल्टर को यूज़ करना पड़ेगा, यानी इस ऑप्शन को चेक करने के लिए। यानी अभी हमने ग्रेटर देन 50 लिखा हुआ है तो फिल्टर डेटा हो गया हमारा यहाँ पर, लेकिन ये ऑटोमेटिक किस तरह से होगा तो इसको हम यूज़ करेंगे कमांड बटन के साथ और इसका एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए यही सारा काम जो हमने किया है ये होगा मैक्रो से, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर हम इसकी कंडीशन दे देते हैं, 1 लाख से ज़्यादा जिनका ग्रेटर देन 1 लाख होगा रिकॉर्ड, 1 लाख से ज़्यादा का, तो वो डेटा हमें वहाँ पर चाहिए ठीक है जी इस शीट पे। और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो के साथ, मैक्रो में जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो। फर्स्ट टाइम कोई भी काम करना है आपको तो रिकॉर्ड मैक्रो होगा, कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, नाम दे सकते हैं कोई भी आप, ओके कर दें। ओके करने के बाद आप डेटा मेन्यू में जाएंगे और अपना एडवांस फिल्टर पे क्लिक, कॉपी टू अनदर पे जाकर यहाँ पर हम चेक लगा के इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे अपनी इस वाली क्राइटेरिया रेंज के अंदर, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी टू में जहाँ पर हमें रिकॉर्ड चाहिए वो हेडिंग सिलेक्ट करके ओके। तो अब देखें, जो 1 लाख से ज़्यादा का डेटा होगा वो सारा का सारा अनदर शीट पे पेस्ट हो गया। अब हमें इसको स्टॉप करना है, ये काम हो गया हमारा। व्यू में जाएंगे, यहाँ पे जाकर हम कर देंगे इसको स्टॉप। स्टॉप करने के बाद अब इसको मैंने कहा था, जैसे हमारी अभी ग्रेटर देन इक्वल 1 लाख की वैल्यू एंटर है तो 1 लाख का डेटा स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन अब इसको हम अगर 50,000 ग्रेटर और इक्वल का देखना चाह रहे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता। तो इसके लिए मैक्रो रिकॉर्ड हुआ हुआ है ऑलरेडी, हमारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ठीक है जी। यहाँ पर हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हुआ हुआ है, इसके अंदर से हम जाएंगे यहाँ से कलर्स का चूज़ करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट टैग्स ठीक है जी। और यहाँ पर हम कर देंगे सर्च, सर्च के साथ एडवांस ठीक है जी। और अब इसमें राइट क्लिक करेंगे मैक्रो असाइन करने के लिए, जो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है और नाम जो हमने रखा था उसको ओके करेंगे। अब कंडीशन 50,000 की सिर्फ सर्च, तो अब इसमें जो 50,000 से ज़्यादा का भी डेटा है वो भी इसके अंदर ऐड हो गया ठीक है जी। फिर अगर हमें कहा जा रहा है कि भाई आप सिर्फ 1 लाख से ऊपर वाला डेटा ही दिखाएं, तो फिर हम यहाँ पे जैसे हम डायरेक्ट लिख रहे थे तो एडवांस फिल्टर अपडेट नहीं हो रहा था डेटा, अब लेकिन इस कमांड की मदद से जो मैक्रो रिकॉर्ड था उससे अपडेट हो जाएगा टाइप करने के बाद जब हम बटन पर क्लिक करेंगे। तो 1 लाख लिखा मैंने, अब देखें अभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैक्रो रिकॉर्ड का फायदा ये होगा जो बटन से हमने इसको रन कराना है क्लिक होगा तो सारा वही करंट कंडीशन के हिसाब से डेटा सामने आ जाएगा हमारे ठीक है जी। तो बटन का यूज करते हुए एडवांस फिल्टर को हम किस तरह यूज कर सकते हैं अनदर शीट पे डेटा
एक शीट से वो मैंने ट्रिक इसके अंदर बताई है। अगर पसंद आई है तो लाइक लाजमी होना चाहिए। भरपूर इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं और ट्रिक सीखना चाहते हैं, शाविता यूट्यूब चैनल को देखते रहे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।